हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बताऊंगी चिकन करी रेसिपी, जो बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मसाला पीस लेंगे। यहाँ पे हमने सारे खड़े मसाले ले लिए हैं। फिर हम लेंगे लहसुन और अदरक और इन सभी को अच्छे से पीस लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने तेल गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 6 कटे हुए प्याज डाल देंगे। चिकन हमने 700 ग्राम के लगभग लिया है, इसलिए हमने यहाँ पर 6 मीडियम साइज़ के प्याज डाला है। अब हम इन प्याज को हल्का सा ब्राउन होने देंगे। प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ मसाला। फिर हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक अपने स्वाद अनुसार। यहाँ पे हमने 2 चम्मच नमक डाला है और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और हल्का सा भूनने देंगे। इसको हमने ढक के 5 मिनट तक भून लिया है। ये हल्का हल्का सा तेल छोड़ दिया है साइड साइड में। अब हम डालेंगे इसमें 2 कटे हुए टमाटर और 4 हरी मिर्च और इसको अच्छे से चला देंगे। फिर हम डालेंगे इसमें 700 ग्राम के करीब चिकन और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। पाँच मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चिकन को भून लिया है। चिकन हल्का सा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे ढकेंगे नहीं, खुले में ही अच्छे से भूनेंगे ताकि चिकन अंदर तक एकदम भून जाए। इसे आप बीच बीच में चला चला कर देख भी लिया करें, ऐसे ना छोड़ दें। तो यहाँ पे हमने 10 मिनट तक अच्छे से चिकन को भून लिया है। उसके बाद हम डालेंगे उसमें 1 कप के करीब दही और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसको लो फ्लेम पर 2 मिनट तक पकाएंगे। फिर हम उसमें डालेंगे धनिया का पत्ता और गैस को बंद कर देंगे। चिकन रेडी हो गया है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।